नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर 2021 टीईटी पीएसटी एग्जाम का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आपको एडमिट कार्ड पूरा हम लाइव जो है डाउनलोड करके दिखाने वाले, साथ ही साथ ये भी बताएंगे अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं है तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आपको सरकारीरिजल्ट.com और साथ ही साथ रोजगारिजल्ट.com पर मिल जाएगा और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, दूसरा आपको पासवर्ड डालना है। इनकेस अगर आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मैच नहीं करता है तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ग्रीन कलर का लिंक दिया हुआ है जिसमें आप जो अपना फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को डालता हूँ। आपको एक चीज और बता दो, जो भी अगर रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी सीआईएसएफ से शुरू होगी। आपको सीआईएसएफ लिखना है, उसके आगे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आपको डाल देना है। यहाँ पे पासवर्ड जो होगा वो आपको स्टार्टिंग में अल्फाबेट होगा और साथ ही साथ कुछ नंबर होंगे तो पूरा आपको देख के डालना हो। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को आपको एज इट इज जो है डाल देना। आप देख सकते हैं मैंने अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दी, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। मैं यहाँ पे रेड कलर का सबमिट का बटन दिख रहा है, इसमें हम क्लिक करते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेलकम करके आ जाएगा। वेलकम पे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी और ठीक है, बगल में लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा। आपको लॉगआउट वाले ऑप्शन पे नहीं करना, क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे देखेंगे येलो कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको बटन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कांस्टेबल फायर 2021। आपको इस पे जो है क्लिक करना है। तो चलिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर आपको फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए तो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है कि एडमिट कार्ड आप इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं पीईटी पीएसटी का, और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कि आप जिसका एडमिट कार्ड को हिंदी में भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जिस लैंग्वेज में सूटेबल पड़े आप उस लैंग्वेज में जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं इंग्लिश में एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो चुका है। सेम वही प्रोसीजर हिंदी में एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का। ऊपर आप देखेंगे एडमिट कार्ड पीएसटी पीएसटी एग्जाम 2021 आ जाएगा। यहाँ पे आपका पोस्ट आ जाएगा, उसके नीचे आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नाम, पिता का नाम, आपकी कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका डोमिसाइल, आपने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी फोटो आ जाएगी, नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा। थोड़ा मोर नीचे चले तो जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका एग्जाम का जो सेंटर है वो कहाँ गया है, उसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे जो टाइमिंग है वो यानी डेट मिल जाएगी, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो आपको टाइमिंग मिल जाएगी, यानी जो मेन ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे परीक्षा केंद्र, परीक्षा के केंद्र का पूरा एड्रेस, किस तारीख को आपका एग्जाम है और क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जो भी एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ ये लिंक आपको सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारिजल्ट.com पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।